Hello everyone, welcome to our SP Notifier YouTube channel. And today we will discuss about DRDO. DRDO का कैसे DRDO की तैयारी करना है, इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने का, क्या ये निगेटिव मार्किंग है, सिलेबस क्या है इसका, और साथ में ये जानेंगे कि जो टायर वन एग्जाम है, टायर टू एग्जाम है, तो क्या टायर वन के मार्क्स टायर टू में ऐड होंगे फाइनल मेरिट में. सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है. तो अगर आप चैनल पर नए हैं और डेली आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे SP नोटिफायर YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये DRDO MTS है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको फॉर्म जरूर फिल्ड करना. अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल्ड किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 23 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है, बहुत कम टाइम है. अब आप फिल्ड कर दीजिए, लास्ट का मत देखिए, क्योंकि कभी कभी सर्वर बिजी हो जाता है, तो जिसके कारण आप फॉर्म नहीं फिल्ड कर पाते. तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी शाम के 5 बजे ये फॉर्म नहीं फिल्ड होगा, ठीक है, तब तक आप फॉर्म फिल्ड कर लें. तो इसकी लास्ट डेट 23 है. और दूसरा ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल तक हो सकता है, ठीक है, अप्रैल तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसियां हैं. टोटल 1817 है, 1817 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं EWS का भी सीट है, OBC का, SC का, ST का, आप सारे वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको फॉर्म जरूर भरना है. अब देखते हैं इसका एज लिमिट क्या है. एज लिमिट 18-25 जनरल है, बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है तो वो अलग है, ठीक है, जो कि अलग अलग कास्ट को जो बेनिफिट्स मिलता है, OBC का 3 ईयर्स, तो वो उसमें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. तो इसमें बहुत ज़्यादा है, कोई भी ये फॉर्म भर सकता है, जिसने भी 10th कर रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है, या जिसने ITI कर रखा है, ठीक है, ITI भी भर सकता है, 10th भी भर सकता है, और 10th मोस्टली सभी भरते हैं. तो बहुत लोग का डाउट रहता है कि ग्रेजुएशन वाले फिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल फिल्ड कर सकते हैं, बस आपकी एज लिमिट रिक्वायर होनी चाहिए, उतनी एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब आपको लगभग 18-25 ईयर्स के अगर हैं और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इस क्या इसका दूसरा ये है कि आप कहीं से भी फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं और आपका सेंटर ये हो सकते हैं. देख लीजिए, जब आप फॉर्म फिल्ड करेंगे तो आपको अपना सेंटर देना पड़ेगा, तो आप ये अपना सेंटर भी भर सकते हैं. अब हम चलते हैं इसका मेन इम्पॉर्टेंट कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है. तो एग्जामिनेशन पैटर्न हम देखते हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग, मतलब प्री एग्जाम जो टायर वन बोलते हैं, तो उसका क्या सिलेबस है सब कुछ, और साथ में क्या क्या आपको करके जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंट का है, जनरल अवेयरनेस मतलब GK का है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मतलब मैथ का है, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, 35 मैक्सिमम मार्क्स है, 30 क्वेश्चन GK का है एंड मैक्सिमम मार्क्स 30 का है, 35 मार्क्स मैथ्स का है एंड 35 क्वेश्चन एंड मार्क्स बराबर बराबर हैं, ठीक है. मिनट्स आपको 90 दिया जाएगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है. अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है. पहला इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ. पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस CBT 2 जो कि फाइनल होगा, जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, 40 मार्क्स का है, मैथ्स 40 मार्क्स का है, इंग्लिश 20 मार्क्स का है, और सभी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये भी आपका 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है. 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स दे रखा होगा, ठीक है. अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जानना आपको ज़रूरी है कि जो CBT 1 होगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग फर्स्ट,
तो हम ये बोल सकते हैं इसका मार्क्स केवल क्वालिफाई है। ध्यान रखिएगा क्वालिफाई है, ये आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ आपको सेकेंड राउंड क्वालिफाई कर देगा। कितने लोगों को लेगा? अगर आपने पहला एग्जाम दिया है CBT 1 दिया है तो लगभग 1:10, मतलब 10 टाइम्स लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, जो आपका CBT फाइनल है इसी की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इसका अब आपका सिलेबस क्या है मैं आपको बता दूं। नॉर्मल अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एज इट इज सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि जो मैथ का है तो मैथ का सिंपल सिलेबस आएगा, मतलब आपका ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब नहीं आएगी। सिंपल अरिथमेटिक होता है तो मैथ सिंपल अरिथमेटिक आएगा, तो आप वैसा करके जाए। जीके का क्या सिलेबस है? जीके का नॉर्मली जो आपको पता है जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर होता है, साइंस होता है, और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है, स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, और रीजनिंग का क्या सिलेबस है? रीजनिंग का सिलेबस अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो एज इट इज सिलेबस है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SP नोटिफायर का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां हम लोग के मोस्टली इंपॉर्टेंट PDF DRDO से रिलेटेड सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, तो जरूर विजिट करिएगा, वहाँ सारी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अब आपको तैयारी कैसे करनी है तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाना है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं DRDO MTS में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे YouTube चैनल से मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।